पांच दिवसीय दिवाली का त्योहार आज धनतेरस के साथ शुरू हो गया है। धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 में शुरू हो रही है। 23 अक्टूबर 2022 को त्रयोदशी तिथि शाम 6:03 पर खत्म होगी। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। ऐसे में दोनों दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। इस साल धनतेरस का त्योहार 2 दिवसीय होगा। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, संपन्नता आती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस मनाई जाती है। त्रयोदशी के दिन ही आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है, किंतु इस बार तिथियों के कारण ये दोनों पर्व अलग अलग दिन मनाए जाएंगे। धनतेरस 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त 5:44 से शुरू होकर शाम 6:05 तक का है। तिथि के अनुसार जो लोग धनतेरस का व्रत रखते हैं वो लोग 23 अक्टूबर को ही रखें। धनतेरस 2022 पर शुभ योग भी बन रहा है। इस साल 23 तारीख को शनि देव मार्गी हो रहे हैं। कई राशियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही धनतेरस के दिन स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जबकि धन्वंतरी जयंती उदयकालिक त्रयोदशी तिथि में मनाई जाती है, इसलिए धन्वंतरी जयंती पर भगवान धन्वंतरी का पूजन 23 अक्टूबर को किया जाएगा। तो क्या खरीदें और क्या ना, आइए आपको बताते हैं। श्री गणेश और लक्ष्मी की चांदी या मिट्टी की मूर्ति की जगह चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं, जिस पर इन पर केसर का तिलक करके पूजन करें और लाल या पीले कपड़े पर रख दें। दीपावली पूजन में भी इन सिक्कों या मूर्तियों का पूजन करें और फिर इन्हें अपनी तिजोरी में रख दें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूबी इंडिया न्यूज़।